बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वे होने के लिए रोक करना उनके गलत रहा। गलत इसलिए रहा कि सर्वे में सर्वस्पष्ट होता है कि यह वास्तविकता क्या है, हिंदू के पक्ष में है कि मुस्लिम पक्ष में है। तो इससे उनको शंका हुई, इसलिए उन्होंने इसको रोक लगाने के लिए याचिका दायर किया। कोर्ट की समझदारी अच्छी है, उन्होंने खारिज कर दिया। इसलिए अब सर्वे होगा, और सर्वे होने के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि यह निश्चित है कि ये राम की कृष्ण की जन्मभूमि है। कृष्ण की जन्मभूमि की जो सबूत निकलेंगे, उसी सबूत के आधार पर यह निर्णय हो जाएगा। तो निर्णय होने में ये उनको सुगमता जजों को मिलती है, इसलिए वो बहुत अच्छी बात है कि सर्वे हो जाए, और सर्वे के बाद में उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। और इसी में फिरंगी साहब ने कहा है कि हमारे यहाँ शरीयत के अनुसार जो सही वास्तव में ज़मीन वह किसी दूसरे की है या मंदिर की है, मंदिर से संबंधित है, और उसमें उसमें क्या कहता है नमाज अवाज अदा नहीं होना चाहिए। तो वास्तविकता यदि हो जाता है तो खुशी मुसलमानों को इसको वापस कर देना चाहिए। और यही लिए यह सर्वे हो रहा है, जो सर्वे में साबित हो जाए कि हाँ ये कृष्ण की जन्मभूमि है और इसमें सबूत उसके हैं, तो इसको हिंदुओं के लिए वापस कर देना चाहिए और विवाद समाप्त हो जाएगा। और भाईचारे की जो कार्य है वो बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। इसलिए इसको जिस रूप से सर्वे होगा और उसको देख करके दोनों लोग विचार करें, और मुस्लिम पक्ष के विपरीत यदि आता है, हिंदू पक्ष में आता है, तो इसको स्वतः उनको संज्ञान में लेकर के और इसे वापस कर देना चाहिए कि नहीं, हमारे शरीयत के अनुसार यहाँ नमाज और ईदगाह इबादत नहीं हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।